बीरवाना उपखंड के अनेक ग्रामों में विद्युत निगम की सौभाग्यशाली योजना में कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि ठेकेदार ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सौभाग्यशाली योजना का दुरुपयोग किया है। इस संबंध में ग्राम खारिया निवासी कॉमरेड हरिराम भाकर ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। भाकर ने अपने ज्ञापन में बताया कि ग्राम खारिया दिनदारपुरा बेमोट और बनवासा में सौभाग्यशाली योजना के तहत ठेकेदार मेगाराम द्वारा भारी अनियमितताएं बरती गई है। ठेकेदार ने अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा से गलत सर्वे करवाकर गोचर भूमि में गलत ढंग से आवश्यकता से अधिक विद्युत पोल स्थापित कर दिए और गोचर भूमि में ही मीटर लगा दिए, जबकि विभाग को भ्रमित करने के लिए कागजों में नकली ढाणियां दर्शा दी। हकीकत यह है कि जिन स्थानों पर सौभाग्यशाली योजना के कनेक्शन दिए गए हैं वहां कोई मकान भी मौजूद नहीं है। यही नहीं, पेड़ों के बीच से 11,000 केवी की लाइन निकाल दी और किसानों से पैसे भी हड़प लिए। गोचर भूमि में 11,000 की लाइन गुजरने से मवेशी चराने वाले पशुपालक और किसान इसकी चपेट में आकर घायल हो सकते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने की मांग करते हुए कहा कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। सौभाग्यशाली योजना के ठेकेदार जो ग्रामीण क्षेत्र में काम किया जो किया है उसमें उसने बहुत बड़ी भारी अनियमितताएं बरती है। उसने हर जगह डाणियों को नकली बताया गया, गोचर भूमि के अंदर इतने पोल लगाए इसने कि कभी भी किसानों के साथ हादसा हो सकता है। पेड़ों के बीच में से उसने वो 11,000 की लाइन निकाल दी, कई बार हादसा होते होते बचा है और जिसकी शिकायत मैंने 181 और कई बार की है, लेकिन इसने झूठी शिकायत को बताकर बचने की कोशिश की है। जिला कलेक्टर को मैंने इसकी शिकायत कर दी है, एसटीएम डीडवाना को इसकी शिकायत कर दी है। अतः पूरे प्रशासन और मीडिया के ऊपर इतने बात करने के बावजूद भी यदि इस बात को नहीं सुनाई जा रहा है तो मैं किसानों के साथ बड़ा आंदोलन करूंगा और इस ठेकेदार का दूध और पानी का पानी करके मानूंगा। इसकी बड़ी राजनीतिक पूछ है, उसका भी मैं खुलासा करूँगा।